नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों इस समय इस हफ्ते साउथ की तीन बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है और इन तीनों की बहुत ज्यादा चर्चा है, बहुत ज्यादा बज है, बहुत ज्यादा हाइप है। तो इन तीनों फिल्मों में से बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म बाजी मारने वाली है और दोस्तों इन तीनों फिल्मों की अब तक की एडवांस बुकिंग की क्या रिपोर्ट है, इसके बारे में आज का वीडियो है। तो दोस्तों ये तीन फिल्में हैं, इसमें एक का नाम है वारिसु, दूसरी है दोस्तों थुनिवी और तीसरी है दोस्तों वीरासिम्हा रेड्डी। तो इन तीनों ही फिल्मों की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के कलेक्शन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म वारिसु की। ये सबसे ज्यादा आगे चल रही है, सबसे ज्यादा हाइप इसी फिल्म की है। थालापति विजय इसमें प्रमुख भूमिका में, जबरदस्त इसका ट्रेलर आया था, लोगों को काफी पसंद आया था। तो दोस्तों ये फिल्म 12 जनवरी को रिलीज होने वाली है, 12 जनवरी 2023 को फिल्म रिलीज होने वाली है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म के अब तक 249,305 टिकट्स थ्रू एडवांस बुकिंग सोल्ड आउट हो चुकी है। साउथ में इसका बहुत जबरदस्त क्रेज है, हालांकि मुंबई दिल्ली एनसीआर में तो ज्यादा टिकट्स इसके नहीं बिके, ज्यादा शोज भी नहीं है और ज्यादा अच्छी थिएटर ऑक्यूपेंसी भी नहीं है, लेकिन वहां पर कमाल रही है दोस्तों। चाहे वो तमिलनाडु हो, तमिलनाडु में चेन्नई हो, चाहे दोस्तों आप बेंगलुरु की बात कर लीजिए, बहुत जबरदस्त वहां पे अच्छे शोज मिले और अच्छी खासी थिएटर ऑक्यूपेंसी है। काफी शोज अभी तक हाउसफुल हो चुके हैं और बहुत सारे शोज फास्ट फिलिंग भी है। जहां तक इसकी टोटल एडवांस बुकिंग की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 4.76 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग ये फिल्म अब तक पूरे देश भर से प्राप्त कर चुकी है, जिसमें से ज्यादातर जो एडवांस बुकिंग है वो दोस्तों साउथ से आई है, क्योंकि हिंदी में इतनी ज्यादा इसका अभी वो रिस्पॉन्स नहीं देखा जा रहा है। वही दोस्तों बात करें दूसरी फिल्म थुनिवी की, इसमें अजीत कुमार प्रमुख भूमिका में है, ये भी एक जबरदस्त फिल्म है, इसका भी ट्रेलर काफी पसंद किया गया है। तो दोस्तों इसका जो 1,92,176 टिकट्स थ्रू एडवांस बुकिंग सोल्ड आउट हो चुकी है। और दोस्तों ये 11 जनवरी को रिलीज होने वाली है फिल्म, इसका 3.79 करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग प्राप्त हो चुका है, 3.79 करोड़ रुपीज का। मतलब कि आप ये कह लीजिए कि करीब वारिसु फिल्म से करीब 1 करोड़ रुपए की कम की एडवांस बुकिंग इस फिल्म को प्राप्त हुई है, लेकिन इसका भी क्रेज बहुत जबरदस्त है। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये फिल्म भी कमाल करने वाली है, विशेषकर साउथ स्टेट्स में तो डेफिनेटली ये फिल्म बहुत ज्यादा कमाल करेगी। वहां पे काफी अच्छी थिएटर ऑक्यूपेंसी है, चाहे वो चेन्नई हो या बंगलुरु, हर जगह से बहुत अच्छी रिपोर्ट इस फिल्म की भी आ रही है। दोस्तों तीसरी फिल्म की बात करें जिसका नाम है वीरासिम्हा रेड्डी, तो दोस्तों इस फिल्म की भी एडवांस बुकिंग है वो शुरू हो चुकी है और ये फिल्म इन दोनों से काफी पीछे है, इन दोनों से तो बहुत ज्यादा पीछे है। इसकी एडवांस बुकिंग अब तक मात्र 10.52 लाख रुपए की हुई है और दोस्तों करीब 4,042 टिकट इस फिल्म की अब तक सोल्ड आउट हुई है। 12 जनवरी को ये फिल्म भी रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों अभी एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट से ये लग रहा है कि थलापति विजय की फिल्म वारिसु इन सब पे भारी पड़ने वाली है। उसके बाद में दोस्तों थुनिवी अजीत कुमार की फिल्म इसका नंबर रहेगा और दोस्तों वीरासिम्हा रेड्डी तीसरे नंबर पे रहने की संभावना है। फिलहाल इतना ही, जैसे इन फिल्मों के और अपडेट्स आते हैं मैं आपको तुरंत अपने चैनल पर जानकारी दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।